Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesterday we have discussed question number 7. So we have discussed up to question number 7. Today we will discuss question number 8, 9 and 10. Okay? Let's see. Question number 8 hai bahut bada, lekin kuch bhi nahi hai isme agar aap ek baar samajh lein kya de rakha hai. A plane is flying at a height of 5850 meters. Ek plane hai jo ki kitni height par ud raha hai? 5850 meters. A submarine is floating at a depth of submarine. सी के नीचे है, कितने नीचे है? 700 meters. Exactly below the plane. जैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम सी लेवल मान लेते हैं तो यहाँ पर प्लेन है इस वक्त. वो प्लेन यहाँ पे कितने ऊंचाई पर है, कितने हाइट पर है? 5850 मीटर, 5850 मीटर. अब वहीं डायरेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सबमरीन नीचे है, कितना नीचे है वो? 700 मीटर. तो बेसिकली इसकी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना है? 5850. यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 700 मीटर. ठीक है, ये सबमरीन का है. अब आगे क्या कह रहे हैं? बिलो द प्लेन एट पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर वक्त पर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन? तो प्लेन और सबमरीन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? हमें यहां से यहां तक का पता है, यहां से यहां तक का पता है. ये पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों डिस्टेंस को यहां से यहां तक के वाले को क्या कर देंगे? प्लस. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. कैसे लिखेंगे इसे? सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? Plane flying at a height of 5850 meters. ठीक है, अब हम लिखेंगे submarine. It's floating at a depth of. सब क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा आपको अगर आप ध्यान से देखें तो. कितने डेप्थ पर है वो? 700 मीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? 5850 प्लस 700. ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 0 इज 5, 8 प्लस 7 इज 15, 5 प्लस 1 इज 6. 6550 मीटर. क्लियर है सबको? पॉज करिए और इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए. ओके ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? इन अ क्विज, एक क्विज की बात हो रही है जिसमें 2 पॉजिटिव मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं, आर अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. एक क्विज में 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी प्लस 2 दिए जा रहे हैं. इसके लिए अगर आपने कोई आंसर सही किया, जैसे आप एंट्रेंस वगैरह देते हैं तो आपके जो है हर एक आंसर के लिए प्लस 1 मिलता है, और अगर गलत होता है 0.25 डिटेक्ट होते हैं. ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि एक क्विज में 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं अगर आपका आंसर सही है, और -1 करे जा रहे हैं यानी 1 मार्क्स कट किया जा रहा है अगर आपका आंसर गलत है. तो इन 4 राउंड, यानी 4 राउंड हुए क्विज के, तो रेशमा के कैसे स्कोर रहे? पहले राउंड में 45, फिर -34, 40, फिर -36, ऐसे ही राधा के स्कोर दिखाए इन्होंने. अब पूछ रहे हैं हु स्कोर्ड मोर मार्क्स, किसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं. क्वेश्चन सबको विजिबल है. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल स्कोर कितना हुआ रेशमा का. पहले रेशमा फिर राधा. ठीक है, ओके. तो रेशमा स्कोर्ड कितना स्कोर किया, उसके लिए क्या करेंगे हम? सबको क्या कर देंगे?
प्लस माइनस, ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि माइनस में ही नंबर, फिर प्लस 40, फिर प्लस, फिर माइनस 36, दिख रहा होगा 45, फिर तो माइनस 34, फिर 40, फिर माइनस 36, ऐसे लिखा है। अब क्या करना है इनको ऐड, तो 45 प्लस माइनस इज माइनस 34, प्लस 40 प्लस माइनस माइनस 36। अब क्या करेंगे, पहले बताया था ना पॉजिटिव को एक साथ करेंगे, नेगेटिव को एक साथ करेंगे, ये हमेशा याद रखना है, फॉलो द रूल्स। 45 प्लस 40 कितना आ गया, 5 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 4 इज 8। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और आंसर माइनस में आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 4 प्लस 6 10, 1 कैरी गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो 85 माइनस 70 कितना हो गया, 5 माइनस 0 इज 5, 8 माइनस 7 इज 1, यानी टोटल मार्क्स रेशमा के कितने हुए, 15। ओके, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन को रब करके। ओके, तो राधा स्कोर्ड 42, देन माइनस 12, देन प्लस 28 और फिर प्लस 38, ठीक है। तो माइनस 42 ये रहा, प्लस माइनस माइनस 12, दो माइनस के एक साथ ऑटोमेटिकली आ गए, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस किया है, और साइन माइनस का आया है क्योंकि दोनों माइनस के ही हैं, क्योंकि 42 बड़ा है, चलिए ऐसे देख लेंगे, तो भी 42 के पास कैसे साइन है, माइनस। अब इन दोनों को ऐड करना है सिंपल, 8 प्लस 8 इज 16, 1 कैरी गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इज 6, माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों का आपस में क्या करना है, माइनस करना है, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, 66 बड़ा है, साइन कौन सा है, प्लस का इसके पास, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखें राधा का स्कोर कितना हुआ, 12, और इसका कितना रेशमा का, 15, तो क्या हो गया, सेंस 15 इज ग्रेटर देन 12, 15 बड़ा है 12 से, तो क्या लिखेंगे, रेशमा स्कोर्ड मोर मार्क्स, यहां से उतारना है आप लोगों को, फिर आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। अ मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ पोल, एक मंकी है जो पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मेजरिंग 15 मीटर, यानी उस पोल का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 15 मीटर, विच इज ग्रीज्ड, वो थोड़ा चिकना हो रहा है, ग्रीसिंग हो रही है उस पर, फिसलन जिसे बोलेंगे। ही ट्राइज टू क्लाइंब 3 मीटर, क्या कोशिश करता है वो, 3 मीटर एक बार में जम्प करने की कोशिश करता है, एंड स्लिप्स डाउन, अब वो फिसल जाता है, कितना, 2 मीटर, जैसे वो 3 मीटर आगे बढ़ता है तो 2 मीटर नीचे गिर जाता है, एवरी टाइम, हर बार। इन हाउ मेनी अटेम्प्ट, तो कितनी अटेम्प्ट में मंकी जो है 10 मीटर तक चढ़ पाएगा, मीन्स वो 10 मीटर तक कैसे पहुंचेगा, कितने उसे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कितने जंप लगाने पे, तो इसको हम पहले वर्बली ऐसे समझते हैं, बाद में हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये पोल था और ये पोल कितना मीटर है, 15 मीटर है, मेजरमेंट लगा लेती हूँ पहले इसमें मैं। देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, वो सीधे सीधे आ नहीं पा रहा है, आप समझ लीजिए इस तरह से पोल है। अब क्या कह रहे हैं कि मंकी ने जब चढ़ना स्टार्ट किया तो वो जैसे ही 3 मीटर तक आगे बढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है, हमें कहाँ पहुँचना है, 10, हमें 10 तक बस पहुँच जाना है, 10 के बाद वो फिसलता है या नहीं फिसलता उससे मतलब नहीं है, तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, 10 मीटर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले मंकी चढ़ा यहाँ पे कितना, 3 मीटर, और 3 मीटर जैसे चढ़ा तो वो 2 मीटर फिसल गया, तो वापस वो कहाँ पर आ गया, 1 पर, 1 2, 2 मीटर फिसलेगा हर बार, अब वो किस पर है, 1 पर, ठीक है, फिर से वो 2 मीटर आगे बढ़ा, सॉरी 3, हर बार कितना मीटर जम करेगा, 3,
तो 1 से कहाँ पहुंच गया, 4 पर, और फिर से 2 मीटर फिसलेगा, 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 पर पहुंच गया वो, अब 2 पर है। फिर 2 से वापस उसने 3 मीटर जंप लगाया, कहाँ पहुंचा, 5 पर, और कितना मीटर फिसला, 2 मीटर, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इज 3, समझ में आ रहा है। पहले वो 3 मीटर जंप करेगा और 2 मीटर फिसलेगा, तो पहले 3 मीटर तक पहुंचा, फिर 2 मीटर फिसला तो कितना आ गया, 1 पर, फिर 1 से वापस आगे बढ़ा, 4 मीटर तक पहुंचा, हर बार +3 और -2 करते जाइए, +3, 4 पर पहुंचा, फिर -2, तो 2 पर आ गया, फिर 2 से +3, फिर 5 पर पहुंचा, फिर 5 से -2, 3 पर पहुंच गया। अब 3 से वापस चढ़ा वो, +3 करना है यानी 6 तक पहुंचा, और 6 से वापस वो 2 मीटर नीचे गिरा यानी कहाँ पहुंचा, 4 पर, फिर से आगे बढ़ा, 4 + 3 कितना हुआ, 7, 7 से वापस वो 2 मीटर गिर गया, कितना हो गया, 5, फिर 5 से यही बना रही हूँ मैं, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, 5 से वो फिर आगे बढ़ा कितना, 3, कहाँ पहुँचा, 8 पर, फिर 8 से वापस नीचे गिरा तो कितना नीचे गिरा, 2, अब कहाँ पहुँच गया, 6 पर, फिर वापस उसने 6 से स्टार्ट किया, 3 मीटर आगे बढ़ा यानी 9 तक पहुँच गया, फिर 9 से वापस नीचे गिरा और कहाँ पहुँच गया, 7 पर, ठीक है। अब 7 से जैसे ही वो आगे बढ़ा, +3 कितना हुआ, 10, पहुंच गया 10 पर, अब वो 10 से फिसलता है नहीं फिसलता है ये सब हमें नहीं देखना, बस हमें देखना है 10 तक पहुंचना था उसे, ठीक है। विल बी एबल टू क्लाइंब 10 मीटर ऑफ द पोल, तो 10 मीटर तक वो पहुंच गया यहाँ पर, तो कितने अटेम्प्ट हुए इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल अटेम्प्ट कितने लिए उसने, 8 लिए। अब ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, अब हम इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए, जितनी बार वो क्लाइम करेगा चढ़ेगा उसे हम प्लस मानेंगे, और जितनी बार वो नीचे गिरेगा उसे हम माइनस मानेंगे। तो पहले उसने क्लाइम किया यानी 3, फिर गिर गया वो -2, ये 3 आपको कितनी बार आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसने कितने अटेम्प्ट लिए थे, 7, सॉरी टोटल कितने अटेम्प्ट लिए थे, 8, तो कितनी बार आप 3 लिखेंगे, 8 टाइम्स, +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, कितने हो गए देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस से लिखे, चलिए मैंने उसे वापस से लिखा है, काउंट कर लीजिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर -2 लास्ट में नहीं लगाया, याद है जब हम 10 पे पहुंच गए थे तो वापस नीचे नहीं गिरे थे, तो हम आगे -2 एक बार और नहीं लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने काउंट किया 3 8 24, और 2 कितनी बार होगा, 2 एक टाइम कम होगा, तो 3 2 5 2 6 3 हमारे कितने टाइम से, 8, और 2 हमारे कितने टाइम से, 7, तो 2 7 14, 4 - 4 = 0, 2 - 1 = 1। जिस तरह इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह आप सॉल्व करेंगे ट्रिक से, या फिर अगर आपको ज़्यादा नंबर दे रखे हैं तो आप इस तरह देखते जाएंगे हम कौन सा नंबर लें, कितनी बार लें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 10 मीटर आ जाए। अभी तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया था पोल के थ्रू, तो उससे आसानी रही थी, और इतने ही नंबर आएगा, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं कितनी बार क्लाइम किया, ठीक है। तो ये हमने 3 जो है 8 टाइम्स लिखा है, 3 8 जै कितना हुआ, 24, और 2 हमने कितना लिखा है, 7 टाइम्स, 2 7 जै कितना हुआ, 14, तो माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 10 मीटर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सारे पॉजिटिव वालों को एक साथ हम प्लस कर लेंगे, तो 3 डायरेक्ट मैं ऐड किया हुआ लिख रही हूँ, 3 8 जै कितना हो गया, 24, यानी 3 को 8 टाइम्स प्लस करूँ या 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 3 8 जै 24,
और फिर माइनस का साइन, फिर टू सारे नेगेटिव के हैं लेकिन सारे प्लस ही होंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो टू सेवन जै कितना हो गया 14, और साइन माइनस का ही रहा क्योंकि सारे टू कैसे हैं माइनस के हैं। अब इन दोनों को माइनस किया हमने तो कितना आया 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। तो आपको क्या लिखना है, टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए 8। नहीं समझ में आया है तो वापस से क्वेश्चन देखें, पूरी वीडियो वापस से देखें, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, सब समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।